नमस्कार, जेड न्यूज में आपका स्वागत है। आज वाराणसी के सर्किट हाउस में महिला आयोग की सदस्य मीना चौबे पहुंची हुई हैं। आज उन्होंने जन सुनवाई की। सर्किट हाउस में लोग अपनी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। यहां पर शहर और ग्रामीण इलाकों की महिलाएं पहुंची हुई थी, जिन्होंने मीना चौबे के सामने अपनी फरियाद रखी। मीना चौबे ने सबकी बातें सुनी और जल्द से जल्द न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें, इस बार जन सुनवाई में कुल 7 मामले सामने आए हैं, जिनमें महिला उत्पीड़न के मामले सबसे ज्यादा हैं। और एक प्रमुख बात यह है कि ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पर ऐसे अपराध आ रहे हैं, जो कि एक बड़ी बात है। देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री महिलाओं को लेकर काफी अभियान निकाले हुए, इसके बावजूद भी महिला सुरक्षा से राज्य और देश में एक बड़ा सवाल बनी हुई है। अभी तक तो 7 फरियादी आए हैं यहाँ पर। महिला आयोग के द्वारा जो माह के प्रथम और तृतीय बुधवार को सुनवाई होती है, प्रत्येक जिले में गांव गिराओं की भी महिलाएं आए, और जो अपनी बात नहीं रख पाती है या उनको कहीं शिकायत है कि नहीं हो रहा है हमारा, तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ आती हैं, अपना विषय रखती हैं। अभी 376 का भी मामला आया था और उसको देखा गया है, उसको संज्ञान में लेते हुए उस पर कार्रवाई के लिए भी ऑर्डर किया गया है। तो इस तरह से महिला आयोग उसमें काम कर रही है कि महिलाओं के समस्याओं का इस तरह निस्तारण हो, पीड़ित महिलाओं का, वो कहीं दर दर का उनको ठोकर ना खाना पड़े, उनका कहीं उत्पीड़न ना हो, इसके रोकथाम हेतु आयोग जो है जिलेवार सुनवाई करती है। वो अब क्या है कि कोर्ट के मामले आते हैं उसमें तो हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जैसे अभी आप देखे होंगे कि अभी एक महिला आई हो बताई कोर्ट में मामले आए, लेकिन उसके अलग भी उसको प्रताड़ना दिया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है, तो उस पर निश्चित कार्रवाई के लिए FIR कहा जाएगा। अगर मारपीट हो रहा है तो मारपीट, कोर्ट में मामला है तो मारपीट तो नहीं कर सकते ना, किसी को डरा धमका नहीं सकते हैं, मारपीट नहीं कर सकते, तो उसके लिए उस कार्रवाई के लिए अलग से लिखा जाता है। आपको क्या लगता है कि इतने होने से आपने महिला आयोग की बैठक मतलब ये आपका लेते हैं, लेकिन अभी भी महिलाएं देखते हैं कम आती हैं, जागरूक नहीं हो पा रही हैं? नहीं, मैं तो ये नहीं कहूँगी। पिछले बार 37 मामले आए थे, लगभग हम लोग 4 बजे तक तो सुनवाई करते रहे दोनों लोग, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हो सकता है कि सूचना का अभाव हो, ये भी मैं मान सकती हूँ, लेकिन कुछ और भी कारण हो सकता है, उस पर देखा जाएगा कि क्यों कम आई है या क्या कारण हो गया। लेकिन अभी जस्ट इसके पहले मैं सुनवाई की थी तो 37 मामले आए थे, अभी चल भी रहा है, हो सकता है और भी कुछ लोग आ जाए। अब आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और राज्य और देश की अन्य खबरों को देखने के लिए देखिए जेड न्यूज़ सोशल मीडिया। धन्यवाद।